नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल, एक रेकी ग्रैंड मास्टर, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको एक यंत्र के बारे में बता रही हूँ। आपको पता है कि यंत्र कितने पावरफुल होते हैं? यंत्र क्या होते हैं? एक ब्रह्मांडी लैंग्वेज होती है वो। जब कहीं भी कोई यंत्र को बनाया जाता है और उसमें अपनी भावनाएँ दी जाती हैं, सो किसी मंत्र के द्वारा कोई भी कार्य में यूज़ किया जाता है दोस्तों, तो उस यंत्र की, उस मंत्र की जो शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाती है। हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस यंत्र का फ़ायदा उठाकर अपनी लाइफ में धन दौलत शोहरत और आपकी लाइफ में जो चीज़ भी चाहिए उस चीज़ को आप अट्रैक्ट कर सकें, क्योंकि सभी लोग परेशान हैं कि हर व्यक्ति को पैसे की सफलता की आवश्यकता है और कि सभी परेशानियों की जड़ यही है। तो इससे हमको आत्म शांति भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, धन दौलत सुख समृद्धि, कुल मिला के सारी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं जो इस लाइफ में, इस पृथ्वी पर आने के बाद हमें ज़रूरत होती है। उन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे अधिक जो जिम्मेदार होती है हमारी बॉडी के अंदर मूलाधार बेस चक्र। आप सभी ने यदि 7 चक्रास के बारे में यदि सुना होगा तो आपको पता होगा कि जो मूलाधार होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे एक मूलाधार चक्र है जिसके अंदर एक एनर्जी है जिसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, वो सर्प के समान 3.5 फेरे डालकर अपनी मुंह में अपनी पूंछ को इस तरीके से दबाए हुए बैठी हुई है, जो कि मूलाधार में है। वो अनएक्टिव है, वो एक्टिव नहीं है, क्योंकि हमें एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए इतनी ही एनर्जी की जरूरत है जितनी हमें मिल रही है। बट यदि आप एक्स्ट्रा चीज़ों को आकर्षित अपनी लाइफ में करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उस चक्र को एनर्जाइज करना और बैलेंस करना बहुत ही आवश्यक है। मैंने अभी तक जितनी भी स्कैनिंग की है, यदि किसी व्यक्ति के लाइफ में पैसे धन दौलत शोहरत की कमी है ना, तो उसका मूलाधार चक्र मुझे हमेशा ब्लॉक मिला है, हमेशा कम एनर्जी में मिला है। यदि उसकी एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा उस चक्रास पे, कुछ अफर्मेशन बोलने पड़ेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि और पावरफुल कुछ चीज़ आपके पास हो तो उसके लिए क्रिस्टल्स आते हैं जो कि मनी को अट्रैक्ट करते हैं, और नहीं तो सबसे अच्छा साधन है कि यंत्र को आप अपनी लाइफ में यूज़ करिए एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी और अपनी लाइफ में उन्नति के लिए भी, दोनों चीज़ कुल मिला के आपको आध्यात्मिक उन्नति भी मिलेगी और आपको फिजिकल वर्ल्ड में जो चीज़ की आवश्यकता होती है दोस्तों, वो चीज़ भी आपको मिलेगी बिल्कुल आध्यात्मिक तरीके से। और जो उस आध्यात्मिक तरीके से आप पैसे को अट्रैक्ट करेंगे, सफलताओं को अट्रैक्ट करेंगे ना, तो आप कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। किसी के पास ज़्यादा धन आ जाता है तो गलत चीज़ों में पड़ जाता है, तो आपके पास एक स्पिरिचुअल ताकत भी होगी कि जो धन आएगा उसको आप सही जगह पर लगाएंगे दोस्तों। तो मैं उस यंत्र के बारे में आपको बता दूँ कि वो यंत्र क्या है। वो मूलाधार का यंत्र है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, एक आसन है जिसने भी इसको बनाया है, ये देखिए, ये पूरा आसन है मूलाधार का, मूलाधार चक्र बना हुआ है इस पर, देखिए आप, और उसका बीच मंत्र लम लिखा हुआ है, और पूरी 4 पंखुड़ियाँ होती है मूलाधार की, बीच में एक चौकोर बॉक्स दिख रहा होगा आपको, स्क्वायर दिख रहा होगा जिसके अंदर लम लिखा है, और एक सर्कल है इसमें रेड कलर का पूरा कलर आपको दिखाया हुआ। ये पूरा आसन है, इस पर हम बहुत आसानी से बैठ सकते हैं, ये देख सकते हो, और पूरा आसन बना हुआ जिस तरीके से हम ध्यान में या पूजा पाठ में जो आसन यूज़ करते हैं ना, उसी तरीके से ये आसन है। और इस पे पूरा ग्रीन कलर भी दिया हुआ है, देखिए, सफलता को दर्शाता है। और ये पूरे सर्कल्स बने हुए हैं और उसमें लम और बाकी के 4 बीजमंत्र और 4 पंखुड़ियाँ, ये हमारा डायग्राम होता है, ये हमारा यंत्र होता है मूलाधार चक्र का, ये यंत्र है और ये आसन के रूप में है। तो अब इसका यूज़ कैसे करना है दोस्तों, अब बात आती है कि कुछ लोगों का मानना होगा कि यंत्र के ऊपर बैठा नहीं जाता, यंत्र की तो हम पूजा करते हैं, बिल्कुल करते हैं, वो देवी देवताओं के यंत्र होते हैं, उनकी हम पूजा आराधना करते हैं, बट ये यंत्र है वो हमारी बॉडी के अंदर स्थित है, और वो भी मूलाधार चक्र बेस चक्र, जब हम बैठते हैं तो वो नीचे आसन के रूप में ही हमारे सबसे नीचे होता है, तो एक तरीके से हम उस पर बैठते भी हैं और वो नीचे के चक्रास भी हैं। तो ये जो यंत्र है वो हमारे ऑलरेडी बॉडी के अंदर 7 चक्रास के रूप में ये डायग्राम, ये यंत्र बना हुआ है। यदि आपकी आध्यात्मिक सोच है और आप चाहते हैं कि इस यंत्र को मैं बैठ नहीं सकता, आपकी आस्था इस चीज़ के लिए अलाउड नहीं करती, तो आप बिल्कुल ना बैठें, इसको फ्रेम करा लें आप, एक कांच के
फ्रेम में फ्रेम करा के उसको रख कर भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, इस पर त्राटक कर सकते हैं। यदि आप चाह आप मानते हैं कि ये यंत्र जब आपके अंदर है तो आप उसी पोजीशन में इसके ऊपर बैठ भी सकते हैं, तो इसकी एनर्जी आपकी बॉडी में मिलेगी। दोनों थॉट्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि यदि आपकी सोच है कि आपको यंत्र पे नहीं बैठते हैं, नहीं बैठा जाता, तो यदि बैठेंगे तो कुछ गलत ना हो जाए। तो आप इस धारणा में यदि बंधे हुए हैं ना, तो बिल्कुल इस यंत्र पर मत बैठिएगा। लेकिन आप इसको फ्रेम कराकर अपने पूजा स्थान पर रख कर अपनी फ़ोटो को उसके ऊपर तो रख सकते हैं, या आप अपनी किसी भी चीज़ को, अपनी जो एनर्जी आपकी होती है वो इस आसन के ऊपर रख सकते हैं, तो भी आपकी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। ये तरीका अपना लीजिए। और जिनको लगता है कि जब ये यंत्र ये हमारी बॉडी के अंदर बना हुआ है, ये डायग्राम हमारी बॉडी के अंदर स्थित है, तो इस पर बैठने से क्या बुराई होगी, कुछ बुराई नहीं होगी, ऑलरेडी हम उस पर बैठे हुए हैं। तो आप यंत्र के माध्यम से, इसकी टेक्निक है कि कैसे आपको मूलाधार को जागृत करना है, इसके कुछ तरीके होते हैं। कुछ दिन आपको ध्यान भी करना होगा, कुछ अफर्मेशन भी बोलने होंगे, साथ में इसको जब आप इस आसन को यूज़ करेंगे, अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, तो साथ में ही इसका तरीका भी आपको बताया जाएगा कि कैसे मूलाधार चक्र को आपको बैलेंस करना है, एक्टिव करना है, और जो लाइफ में ज़रूरत है उसको अपनी ओर आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना है। दोस्तों तो अभी वैसे भी बहुत अच्छे दिन चल रहा है नवरात्रि की, गुप्त नवरात्रि की। यदि आप आसन को बुलाते हैं अभी, तो आपकी एनर्जी इससे कनेक्ट हो जाएगी। ये पवित्र एनर्जी का दिन चल रहा है वो इसमें कनेक्ट हो जाएगा, और ये वही एनर्जी आपके पास आएगी। हो सकता है कोरियर से काफ़ी दिनों तक आपके पास पहुँचे, जब तक 9 दिन ख़त्म हो जाएंगे, बट यदि आप पहले से ही इसको अपने नाम से बुक करा लेंगे तो आपकी एनर्जी इसमें मिल जाएगी। और जब ये आपके पास पहुँचेगी, तो अभी जो दिन की एनर्जी चल रही है उसी के माध्यम से कुछ ना कुछ आपके पास लेकर आएगी। दोस्तों यदि आप यंत्र पर विश्वास करते हैं, अपने 7 चक्रास पर आपको ट्रस्ट है कि आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये आसन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। कि कोई भी आध्यात्मिक प्रक्रिया करने पर लाभ ही लाभ होते हैं, नुकसान तो कभी नहीं होता। बट आपके विचारों के माध्यम से आप इसको यूज़ करिए, किस तरीके से करना चाहते हैं, या तो आप एक फ्रेम के रूप में करिए, या आप उस पर आसन जो बना हुआ उसी आसन के रूप में करिए। आपके विचार के ही ये काम करेगा, आपकी जो धारणा है उसी पर ये काम करेगा। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए, और आप सभी का प्रणाम।